अगर आप लोग सेटल डाउन हो जाए तो स्टार्ट करें क्लास। सही सर, स्टेट मैनेजमेंट के लिए कॉन्टेक्स्ट का होगा। हेलो, आवाज आ रही है? बेहतर है, गूंज है, गूंज है। चलो गुजारा कर लो भाई। चले जी, वापस आते हैं अपने ख्यालों ख्वाबों से, जहां जहां भी खोए थे। स्टार्ट करें तो मेरा जो टॉपिक है ना, वो आज का वैलिडेशन कंट्रोल्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज वैलिडेट करना। अच्छा, वैलिडेट किस चीज को करते हैं? जो चीज गलत होती है या जो चीज खराब होती है उसको वैलिडेट किया जाता है ना। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं वैलिडेशन कंट्रोल्स की, तो हम बात ये कर रहे हैं कि आपके पास कोई चीज़ है ऐसी जो कि रॉन्ग हो सकती है, जो कि गलत हो सकती है, उसको वैलिडेट करना। ठीक है, तो उसको वैलिडेशन करने के लिए जो कंट्रोल्स डॉट नेट ने प्रोवाइड किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड करे हैं ASP डॉट नेट के अंदर, उन कंट्रोल्स को अभी हम बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, उसको कहते हैं वैलिडेशन कंट्रोल्स। अच्छा, वैलिडेशन करते किसको है? वैलिडेशन होती किस चीज की है? डेटा की। डेटा में किस चीज की? यूजर्स ने जो डेटा इनपुट दी है, जो इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करी है, उसको वैलिडेट करना, उसको कहते हैं इनपुट, और उस इनपुट को वैलिडेट करना वैलिडेशन कंट्रोल्स है। ठीक है, अच्छा, यूजर इनपुट देता कौन है? यूजर कौन होता है? यूजर। अच्छा, यूजर के बारे में बता आपको अरे थोड़ा सा, अगर आप लोग पीछे हो जाओ ना बेचारे, वो सब वो आखिर वाले साल से ना बिल्कुल आगे निकल के 2 फीट से ना देख रहे हैं मुझे, तो अगर आप लोग सब लोग रिलैक्स हो जाओ, पीछे हो जाओ, टेक लगा लो, तो सब लोग को नजर आने शुरू हो जाए। थोड़ा सा हमारा ये वैसे भी इतना अच्छा खास मारा नहीं, मैं तो, लेकिन मैं बीच में आऊंगा तो मेरे हाथ में आ रहा। तो आपके पास यूजर की साइकी पता है? यूजर की साइकोलॉजी वही करता है। यानी कि अगर आप बोलोगे यार इसमें नंबर टाइप करना है, इसमें ना स्ट्रिंग टाइप नहीं करना, तो सबसे पहले वो स्ट्रिंग टाइप करेगा और बटन प्रेस करके देखेगा क्या होता है। ठीक है, ये है यूजर की साइकिल। आप उसको जिस काम से मना करेंगे ना, वही काम करेगा सबसे पहले, वो करके देखेगा कि इससे होता क्या है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में, ऐसे सिनेरियो में आपने क्या करना होता है? चीजों को कंट्रोल करना होता है, मैनेज करना होता है, वैलिडेट करना होता है यूजर्स के इनपुट को, यूजर्स से कंट्रोल, यूजर्स जो डेटा इनपुट करता है अपने कंट्रोल्स में, उनको वैलिडेट करना होता है। उसको वैलिडेट करने के लिए जो मैकेनिज्म आपके पास अवेलेबल है वो कहलाता है वैलिडेशन कंट्रोल। ठीक है, अब तो हम आगे चलते हैं।
ये हमारा आज का एजेंडा है और आज हम ये रिकॉल करेंगे थोड़ा सा। तो मैं बात ये कर रहा था कि यूजर गिव्स एन इनपुट, ठीक है, मोस्टली दिस विल बी रॉन्ग, जो वो इनपुट देता है वो अलग होते हैं। आपने ये अज्यूम करना है यूजर ने जो भी इनपुट देनी होगी क्या होगी, रॉन्ग होगी, गलत होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा उसके ऊपर वैलिडेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है, जो भी रॉन्ग डेटा उसने इनपुट दिया है उसके ऊपर जो है आपने वैलिडेशन परफॉर्म करनी होगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, दो तरह की वैलिडेशन होती है, एक होती है सर्वर साइड, एक होती है क्लाइंट साइड। सर्वर साइड वैलिडेशन वो होती है कि जो आपने कोड लिखा सी शार्प में और आपने पेज में सबमिट किया, सर्वर पे किया, सर्वर पे जाके उसने लाइक वैलिडेट किया और वैलिडेट करके वो वापस आया और वापस आने के बाद आपको बता दिया कि भाई आपने जो इनपुट दिया वो गलत है, ठीक है। फिर आपने उसको उसने इनपुट दिया, बटन प्रेस किया, सर्वर पे गया, सर्वर से वापस आया, फिर आपने उसने आपको बताया कि जी ये इनपुट जो है वो गलत है। ये कहलाती है सर्वर साइड वैलिडेशन, जो कि सी शार्प में या डॉट नेट की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एक होती है क्लाइंट साइड, ठीक है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होती है कि अच्छा सर्वर साइड में मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि बार बार सर्वर पर जा रहा है वापस आ रहा है, सर्वर पर जा रहा है वापस आ रहा है, सर्वर पर जा रहा है वापस आ रहा है, टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, इंटरनेट या नेटवर्क जो भी है वो भी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, और एक हैप्टिक मतलब फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है यूजर के लिए, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है, ठीक हो गया। इसको मैनेज करने के लिए जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है क्लाइंट साइड मैकेनिज्म, जिसमें हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड के लिए, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जो मोस्ट पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अवेलेबल है वो है जावास्क्रिप्ट, ठीक हो गया। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग अपने क्या करते हैं, इनपुट को वैलिडेट कर रहे हैं। आप में से कितने लोग जावास्क्रिप्ट आते हैं, आप में से कितने लोग जो है वो जावास्क्रिप्ट आते हैं, एक, उससे मतलब बाकी लोगों को नहीं आती। अब कैसे करेंगे क्लाइंट साइड जो है वैलिडेशन। अच्छा, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि क्लाइंट साइड जाना की जाए, लेकिन और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट करने के लिए जो जो वो है लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट, और हम लोगों को जावास्क्रिप्ट नहीं आती। तो अब हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि आपको बनी बनाई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बिल्ट इन करके वैलिडेशन कंट्रोल में दे दिए माइक्रोसॉफ्ट ने। आपने क्या करना है, यूज करना है, आपने जावास्क्रिप्टिंग नहीं करनी, ठीक है, जावास्क्रिप्ट वाले भाई आपने नहीं करनी। और आपको भी जो आती है ना जावास्क्रिप्ट, ये उससे भी हाई लेवल की बात है, क्योंकि जब हम वैलिडेशन कंट्रोल लिखते हैं ना, खुद लिखते हैं, तो हमें बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स दिमाग में होने चाहिए कि अगर ये होगा इनपुट तो क्या होगा, ये हो तो क्या होगा, और इसके लिए आप बहुत बड़े बड़े इंजन लिखते हैं, और वो इंजन इतने छोटे नहीं होते, सॉरी, या इतने आसान नहीं होते कि आपके लिए जो ना वो मैनेजेबल हो। फिर क्या होता है कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज और नंबर ऑफ जो ना टाइम आपको कंज्यूम हो रहा होता है जस्ट टू बेसिकली राइट द प्रॉपर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये वैलिडेशन कंट्रोल नहीं थे तो हमने जो वैलिडेशन परफॉर्म की थी क्लाइंट के ऊपर, तो हमें 2.5 महीने लगे थे दो बंदों को पूरा जावास्क्रिप्ट इंजन लिखने में, जो कि उस पूरे ईआरपी के अंदर हर एक कंट्रोल को ना वैल्यू को वैलिडेट कर सके, और उसमें डिफरेंट टाइप्स के इनपुट थे, उसमें नंबर्स भी थे, उसमें स्ट्रिंग भी थे, उसमें डेट्स भी थे, उसमें कैरेक्टर भी थे, उसमें न्यूमेरिकल्स भी थे, उसमें जो ना वो लाइक ईमेल भी थी, उसमें यूआरएल्स भी थे, हर चीज को वैलिडेट करना था। जो अगर ईमेल की फील्ड है ना, तो ईमेल की फील्ड में ईमेल ही टाइप किया हो, कुछ और नहीं टाइप किया हो, पता ना उसने ईमेल एड्रेस टाइप नहीं किया, या जो टाइप किया है वो ईमेल एड्रेस नहीं है, तो अब इसको कौन वैलिडेट करेगा। तो ये सारा सब कुछ जो है ना बेसिकली वो आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता था। सर्वर साइड मैंने समझा दिया, जाएगा आएगा जाएगा आएगा, ठीक है, और क्या कहते हैं आपका सी शार्प पे होगा व्हाटएवर। क्लाइंट साइड वैलिडेशन, क्लाइंट पे जो भी वैलिडेशन होगी वो किस तरीके से होगी, ठीक है। ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, जो कि हम लोगों को नहीं आती जावास्क्रिप्ट,
अच्छा इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई मतलब नहीं आती तो मुझे भी नहीं आती थी शुरू में। अगर अभी आप बोलोगे तो शायद अभी भी नहीं आती हो, भूल भूल पा गया हूँ। ठीक है, यूजिंग वैलिडेशन। तो वैलिडेशन का मतलब क्या है कि जो भी वैलिडिटी होगी वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगी, सर्वर साइड पे नहीं होगी, क्लाइंट साइड पे होगी। ठीक है, यहाँ तक बहुत समझ आ गई। वैलिडेशन कंट्रोल रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। अच्छा ये आपके पास लिस्ट ऑफ वैलिडेशन कंट्रोल्स अवेलेबल है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, कंपेयर वैलिडेटर, आपका रेंज वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर और वैलिडेशन समरी। नाम अगर थोड़ा सा पढ़े तो आपको समझ में आएगा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर क्या मतलब है, कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ये इसमें डेटा इनपुट होना चाहिए। ये है दूसरा वाला है कंपेयर वैलिडेटर, कि दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना। ठीक है, तीसरा है रेंज वैलिडेटर, कोई वैल्यू देंगे गिवन, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, उसके दरमियान में जो है ना ये वैल्यू होनी चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, ये वो वैलिडेटर है जो कि तमाम आरी यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर आपने ऑटोमेटा पढ़ा है किसी ने, ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा, इनफाइन क्या है, DFA पढ़ा है सर, उसमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनते थे। ठीक है, जब हम कंपाइलर बनाते थे तो उसमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते थे, वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करती थी, तमाम स्ट्रिंग्स को जो है ना वो वेरीफाई करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप जो है ना आरई बनाएंगे, आरई रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे और उसको यूज करते हुए जो है ना वैलिडेट करेंगे यूजर के इनपुट को। ठीक है, अच्छा आरई बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, अरे बात है आपको एक पूरा फाइनाइट ऑटोमेटा या DFA वगैरह आनी चाहिए, लेकिन अभी आपको मैं जब यहाँ सिखाऊंगा आरी बनाना तो अगले अभी कितना टाइम रखें, 40 मिनट के अंदर हम तमाम तरह की वैलिडेशन लगाएंगे। ठीक है, और तमाम तरह की आरी बनाना सीखेंगे। ठीक है, और फिर हम अपनी आरी खुद बनाएंगे यहाँ क्लास में बैठ के आज अगले 40 मिनट में, जो काम हम मैंने 2.5 महीने में किया था, या जो आप काम जावास्क्रिप्ट में 2 महीने में, 2.5 महीने में, 2 हफ्तों में, 2 दिन में करते हो, वो अगले आप इतना 15-20 मिनट में कर लेंगे। वो काम तो आप 15-20 मिनट में कर लेंगे, उसके बाद 15-20 मिनट हम लोग आरी बनाना सीखेंगे। ठीक है, अच्छा किसी को अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही है तो रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़े। सबको समझ में आ रही है मैं क्या बातें कर रहा हूँ? हेलो, इस वाली लाइन में लास्ट में समझ में आ रही है यहाँ पे तो प्यारे भाई सर, हाँ जी क्या बोल रहा हूँ? ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि जो मरीख या जुपिटर या जो ना दूसरे सियारे की बातें कर रहा हूँ, आसान आसान बातें कर रहा हूँ, ताकि मैं आसान तरीके से बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझाऊँ। ठीक है, फिर हम आएंगे जरा मुश्किल बातों की तरफ, जब हम इसको करके देखेंगे, खुद से करेंगे। ठीक है, किसी को भी किसी भी वक्त कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि लाइक मैं बोलता हूँ और आप सुनते रहे और हम सब चले जाए घर, किसी को भी समझ में। क्लाइंट साइड के लिए, इनमें से एक भी सर्वर साइड पे नहीं होगी। ठीक है, अच्छा कस्टम, अगर आपको फिर भी आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो है आपने कर ली, लेकिन कोई एक छोटी सी रिक्वायरमेंट ऐसी है जो शायद आप समझते हैं कि इन कंट्रोल से पूरी नहीं हो रही, तो आप फिर भी चाहें तो कस्टम जावा जावा ले सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो कंट्रोल अवेलेबल है वो है कस्टम वैलिडेटर। और फिर आता है वैलिडेशन समरी, समरी मतलब समराइज करना। ठीक है, लाइक एक जगह पे ला के जो ना वो कंसोलिडेट करना। अच्छा, हर कंट्रोल की मिनिमम ये 3 प्रॉपर्टी है, कंट्रोल टू वैलिडेट, एरर मैसेज और टेक्स्ट। कंट्रोल टू वैलिडेट किस कंट्रोल के ऊपर ये लगाना है? ठीक है, अगर आपने सब कहा कि मुझे लगाना है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर नेम के ऊपर, यानी कि जो नाम होता है वो मैंडेटरी होता है, तो आप क्या करोगे, इस फील्ड इस पर्टिकुलर कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। अभी मैं आपको सब करके दिखाऊंगा, और कंट्रोल टू वैलिडेट की प्रॉपर्टी में टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दोगे, खत्म, आपस में ये एसोसिएट हो जाएंगे।
और जैसे ही कोई बंदा खाली ही छोड़ेगा टेक्सबॉक्स को बटन प्रेस करेगा, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर एग्जीक्यूट होगा और एरर मैसेज आ जाएगा, एरर मैसेज जो भी आप देंगे। अच्छा, जो तीसरी प्रॉपर्टी है ये भी एरर मैसेज का काम करती है, लेकिन किस तरीके से करती है मैं भी आपको दिखा दूँ। आपने कोई वेबसाइट पे नहीं, आप कोई रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने नहीं, वहाँ पे आपने कहा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और मिडिल नेम, तीन फील्ड नहीं। आपने कहा जो वेबसाइट वाला है जिसने बताई वेबसाइट, उसने कहा यार मिडिल नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट नेम मैंडेटरी होता है और लास्ट नेम मैंडेटरी होता है। अच्छा, बाहर मुल्कों में ये दो नाम चलते हैं, ये हमारी हैं मिडिल ईस्ट के अंदर ये तीन तीन नाम होते हैं, मोहम्मद आतिफ हुसैन, ठीक है, या तो मोहम्मद आतिफ होता है बाहर मुल्कों में या आतिफ हुसैन होता है। अच्छा, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ बाहर तो वो मुझे हुसैन ही पुकारते हैं, क्योंकि वो लास्ट नेम से पुकारते हैं, तो उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है या तो मोहम्मद पुकारते हैं, तो वो मोहम्मद है या हुसैन है वो आतिफ तो नहीं जानते, वो मिडिल नेम है, हालांकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नेम क्या है आतिफ। तो उन्होंने क्या किया हुआ होगा, फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को मैंडेटरी बनाया हुआ होगा। अब वो मैंडेटरी कैसे बनाया हुआ होगा कि जी ये कंट्रोल टू वैलिडेट वाली प्रॉपर्टी ने एक कंट्रोल लगाया होगा फर्स्ट नेम पे प्लीज, और उस पर एरर मैसेज दिया होगा प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, ऑलवेज प्लीज योर कस्टमर्स, ठीक है। ये हम लोग जो है ना बड़ा एक वो है फिनोमेना है, डिलेमा है, कह रहे हैं प्लीज ही नहीं करते, लगता है ऑर्डर दे रहे हैं इधर आ जाओ उधर चले जाओ। हाँ, बाजार रहते यू मस्ट एंटर योर फर्स्ट नेम। हाँ, मेरी एक एप्लीकेशन पता है इसी वजह से रिजेक्ट हुई थी, ये जो मैं बता रहा हूँ ना ढाई महीने वाला काम, जब मैंने ये करके दिया तो जो भी हमारा क्लाइंट था उसका नाम है कल्सपास, CALSPAS कल्सपास, US की ना वॉशरूम एसेसरीज की, ये जो बात का उसका मोड WC और ये बेसन वगैरह होते हैं, इसकी बहुत बड़ी कंपनी है कल्सपास, उसके लिए पूरा डीलरशिप मॉड्यूल बनाया था हमने। तो जब हमने दो ढाई महीने लगा के उसके पास सारी वैलिडेशन लगा के उनको दिया ना, जब एप्लीकेशन दी तो उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। तो हमने पूछा भाई क्या रीजन है आपने एप्लीकेशन रिजेक्ट की, कहने लगे आपकी एप्लीकेशन हमें ऑर्डर देती है, रिक्वेस्ट नहीं करती, ऑर्डर देती है, एंटर योर नेम, एंटर योर फादर नेम, एंटर ये, एंटर ये, तो आप इसको लिखें प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर फादर नेम, आपकी एप्लीकेशन हमसे रिक्वेस्ट करे, वो तो हमें ऑर्डर दे रही है, ठीक है। ये आपको सुना रहा हूँ एक्चुअल वाक्य है, रियल वाक्य है, और भी सुनाऊंगा रियल वाक्य ऐसे ऐसा जब जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो ये भी हमारी लर्निंग है कि भाई हम अपने कस्टमर्स को, अच्छा कस्टमर कोई भी सकता है, मैं आपको लिख रहा हूँ या आप मुझे लिख रही हो तो आप एक दूसरे को प्लीज करेंगे, ठीक है। मेरे बॉस जब भी मुझे लिखता है, क्योंकि मैं आपको मैसेज खोल के दिखाता हूँ, हमेशा प्लीज लिखता, कभी ये नहीं था कि ये कर दो वो कर दो, नहीं प्लीज डू दिस, ठीक है इस तरह से। तो ये एक हमारा नॉर्म्स है जो हम लोग फॉलो नहीं करते, जो कि हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये काफी डिटेल में लिखा हुआ है, मैं एक काम नहीं करता हूँ, मैं ये बता चुका हूँ सारी बातें जो इस पर लिखी हुई, स्टेप मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये काम करते हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तो ज्यादा अच्छा है कि हम प्रैक्टिकल कर लें। और तो स्लाइड में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ASP.NET web application और ये web application free।
आप कर दो बता दो। नेक्स्ट संडे 11 सितंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में है। चलो चलो बातें करो। ऐसा क्या होता है, कोई ट्रिगर होता है या कोई इवेंट फायर होता है कि अगर 5 मिनट तक बात नहीं करेंगे तो लाइक कोई तकलीफ शुरू हो जाएगी, ऐसा होता है कुछ? तो गम बताने के लिए तो बहुत टाइम आपके पास, पूरा हफ्ता होता है गम। हम इससे एसपी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हूँ, मोबाइल तो छीनने के काबिल ही था वो, नीचे से उसकी आईसियाँ सारी बाहर नजर आ रही थी ऐसे ही था ना। हाँ इतना हमने ऑब्जर्व कर, नीचे से पूरा सर्किट बाहर निकला हुआ है ना। क्यों लास्ट टाइम जब मैंने चार्ज पे लगा हुआ था उसका पीछे का, मैंने कहा ये क्या हुआ, कहेंगे टूटने का टूटी है, टूटा बताओ। जो बेचारा लेके गया होगा उसने 10 रुपए लग गया, कुछ खर्च ही नहीं होगा उसको। तो अच्छा आज अब लोग आ जाते फॉर्म पे, ठीक है, और मैंने उसको पर लाइक एक टेबल टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। मैं किया डिजाइनिंग पे, अब आप लोग जरा मुझे फॉलो करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि मैं क्या क्या स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में फिर आप पूछेंगे कि सर वो क्या हुआ ये क्या हुआ। रो कॉलम ले लेते हैं 3 और रो ले लेते हैं 10, ठीक है। ये टेबल बन गया, आपने कहा पहले कॉलम पर रखा है नेम, ठीक है, टूल बॉक्स में गए, और आपने बटन आपका पेपर वेरिएशन बटन और यहाँ पे रखा टेक्स्ट बॉक्स, और वैलिडेशन में गए और आपने रखा लाइक रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है। और इस रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की प्रॉपर्टी विंडो में गए, खाली प्रॉपर्टी विंडो ये, ठीक है, और आपने कहा कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 1। अच्छा आप लोग प्रॉपर नाम रखिएगा कंट्रोल्स के ना, लाइक मैं तो अभी जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एरर मैसेज में कहा प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है, दो प्रॉपर्टी सेट करी मैंने अभी, एरर मैसेज और कंट्रोल टू वैलिडेट। इसको मैंने सेव किया, सॉल्यूशन फॉरवर्ड किया और इसको मैंने करवाया व्यू। वो मास्किंग कहलाती है, वो अलग चीज है, वो मास्किंग कहलाती है, वो उसका ताल्लुक वैलिडेशन से नहीं है। मास्किंग कर सकते हैं, हो जाती है वही,
मास्किंग अलग चीज है, वैलिडेशन अलग चीज है, जो लिखा हुआ था ना पहले से एंटर नेम हेयर या फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो टेक्स्ट बॉक्स की मास्किंग कहलाएगी ना, उसका वैलिडेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, नाम मैंने लाइक डाला नहीं, बटन प्रेस कर गया, क्रैश हो गया। छोटा सा मसला है, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी विंडो में मेरा प्रोजेक्ट की जो टाइप है ना, वो उसको मैं थोड़ी देर के लिए पीछे लेके जा रहा हूँ। You are not connected. असल में पठान बन जाएगा स्टूडियो टू वार्निंग। कितने सीरियसनेस कितनी बोलोगे, कितने मुनामिक थे पढ़ने में। अच्छा जी, नाम मैंने डाला नहीं, बटन प्रेस कर दिया, कहता प्लीज एंटर योर नेम, लेकिन सर्वर पे नहीं गए ये, लाइक पोस्ट नहीं हुआ, इसने ये भी रोक दिया वैलिडेशन करने के लिए ना। अब मैंने नाम डाल दिया, आते हैं चला गया, पोस्ट हो गया, नाम ही है सर। अच्छा जी, ये था रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है नंबर टू, नंबर टू ले रहे हैं क्या ले, एज, ठीक है, रेंज फील्ड वैलिडेटर, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लगाया और रेंज लगाया और यहाँ पे एरर मैसेज लगा दिया, प्रॉपर्टी विंडो में गए और कंट्रोल टू वैलिडेट, कौन सा कंट्रोल लगाएंगे, हेलो टेक्स्ट बॉक्स टू, एरर मैसेज में क्या लिखेंगे, please enter, जैसे वो हमारी एक्ट्रेस है ना मीरा, बड़ी नहीं हो रही, ठीक है, पिछले 10 साल से वो 26 साल की है। अच्छा, रेंज, सॉरी हम लोग आपने बात में भूल गया था, डिफाइन करना रेंज, रेंज क्या होगी, 18 to 30 क्यों, शादी की बात, तो 30 साल के बाद शादी नहीं होती क्या, 30 साल के बाद ज्यादा होती है, मतलब 30 साल से पहले जो होती है, मतलब अभी 16 नहीं बोला वरना चाइल्ड मैरिज का लग जाता है। चलो करिए, कहीं और निकल जाएगी डिस्कशन।
हम जो वेबसाइट बना रहे हैं ना वो अडल्ट वेबसाइट है, ठीक है, नादरा की, ठीक है, तो वो 18 से ऊपर की होगी और ऊपर जितनी भी चली जाए, अगर हम ऐसी लगा लें उनका अगर 100 लगा लें 100 से ऊपर नहीं जाएगा, 100 से ऊपर वैसे भी वेबसाइट थोड़ी यूज करेगा, कुछ नहीं आया, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 18, मैक्सिमम 80 कर लें, 1880 का रूल चला लें, तो मैक्सिमम में क्या करूँगी, क्योंकि रेंज हमेशा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान में होती है, रेंज कभी भी मिनिमम वैल्यू और इनफाइनाइट के दरमियान में नहीं होती। मैंने अभी आपको पश्तो में जवाब दिया कि रेंज हमेशा बिटवीन टू वैल्यूज होती है, कभी भी मिनिमम और इनफाइनाइट के दरमियान में नहीं होती। मैं फिर आपसे तीसरी दफा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी रेंज होगी चेक वो बिटवीन टू वैल्यूज होगी, तो अभी हमने रेंज का कंट्रोल रखा तो रेंज ही लगाएंगे। आपकी जो बात है वो ये है कि एक वैल्यू चेक हो, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता ना, वैलिडेशन कैसे लगाएंगे आप, चेक कैसे लगाएंगे, उसके लिए फिर आप प्रॉपर्टी बनाती हैं, प्रॉपर्टी में याद है हमने चेक लगाया था कि इससे छोटी ना हो तो वो लगा दें, लेकिन अभी हम प्रॉपर्टी का सवाल नहीं ना, अभी तो वैलिडेशन कंट्रोल तो बने बनाए कंट्रोल हम तो वो यूज़ करते हैं। आपका वाला भी काम हो जाएगा वैसे, उससे हो जाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, प्लीज एंटर करेक्ट एज, अब हम उसको चला के देखते हैं। नाम मैंने डाला नहीं, एज डाली, एज नहीं डाली, देखते हैं बटन प्रेस करते हैं क्या होता है। प्लीज एंटर योर नेम, चले नाम डालते हैं, अरुण का नाम डालते, ठीक है। अच्छा आप बटन प्रेस करते हैं, क्या होगा, उसने वो तो भी चेक किया, वैलिडेटर नहीं लगा हुआ, कंट्रोल टू इस पे लगा हुआ, जब इनपुट ही नहीं दिया तो कद्दू को जो है वो रिटेंशन कराया जी, रेंज एज डाली गलत 16, ठीक है, शौक होता ना लड़कियों को भी 16 साल, आप तो बस सीरियस हो गए, मैं ऐसे ही डाल दे, अच्छा गलती हो गई, 160 डालो, ठीक है, सही है, अच्छा जी 16 डालो, ठीक है, तो वो ये भी बचा लिया, कह रहे सही एज बताया हमने, ठीक है, तो सही एज डाल दे, अच्छा चलो अब सही है। अब पैड प्रेस करते हैं, कहते हैं प्लीज एंटर, मतलब वो जो है मेरा मैसेज था वो हट गया, क्योंकि जो एज है ना अब जो डाली इनपुट वो 18 से 80 के दरमियान में है, अगर मैं 80 भी डालता ना तो ये एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि उसको पता है कि सच है, 81 डालते हैं, ठीक है, रोक लिया उसको। क्यों भाई, आपने कहा वो होगा तो इसके दरमियान में होगा, जब वो है ही नहीं तो उसकी अब आपने जो लव्स यूज किया ना, अब आपने सही लव्स यूज किया, पहली दफा आपने कहा ये भी लगाए, आपने क्या बोला भी लगाए ना, तो अभी हमने नहीं लगाया था ना, अब हमने लगा लेंगे तो वो भी मसला हो जाएगा, ठीक है, अभी आपकी मर्जी है, आप कहती हैं कि ऊपर वाले भी लगाओ, कि जो ना वो अरुण भाई जो ना होना चाहिए, और होना चाहिए तो कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, तब लगा सकते थे, वहाँ पर भी रेंज लगा सकते थे, ठीक है। ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है ये सिर्फ न्यूमेरिक पे नहीं रेंज चेक करता, ये देख रहे स्ट्रिंग इंटीजर डबल डेसिमल करेंसी सब पे करता, ठीक है, वो आप उस पे लगाएंगे,
क्या नाम है आपका, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आपका जो सवाल है उसमें आप एक और कंट्रोल लगा लीजिए। इसके यहाँ पे एक और रखिएगा रिक्वायर्ड फील्ड और उसको इसके साथ कर दिएगा एसोसिएट, ठीक है। अच्छा और कौन से हैं वैलिडेटर, कंपेयर, कंपेयर लगाते हैं। अच्छा कंपेयर क्या होता है, पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड, रीटाइप होता है कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड चेक बॉक्स 1 जैसे मतलब दो टाइप होते हैं ना। इसका मतलब है कि जो कंपेयर करेगा ये दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेगा, ठीक है। कंपेयर वैलिडेटर प्रॉपर्टी विंडो, अच्छा क्या लिखेंगे, प्लीज एंटर करेक्ट पासवर्ड। अच्छा इसमें देखो दो कंट्रोल है, कंट्रोल टू वैलिडेट, कंट्रोल टू कंपेयर। टेकबॉक्स 3 टेकबॉक्स 4 नाम डाल देते हैं किसी का भी, आसिम और लाइक। अच्छा पहले इतने होता क्या, बड़ा प्रश्न, एक ही आएगा ना क्योंकि एक ही रिक्वायर्ड था, ठीक है। नाम डाल दिया दानिश, एज डाल दी उसकी लाइक 25, ठीक है कुछ नहीं हुआ। अच्छा पासवर्ड डाला मैंने ए बी सी, यहाँ डाला एक्स वाई जी, प्लीज एंटर कर। अच्छा मैं कह रहा हूँ पासवर्ड तो नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हर टेकबॉक्स की प्रॉपर्टी एक होती है, टेक्स्ट मोड, ठीक है। टेक्स्ट मोड को करते हैं पासवर्ड, इसको सेलेक्ट करें, प्रॉपर्टी विंडो में जाएं, इसको कर दें पासवर्ड, ठीक हो गया। अब आपके पासवर्ड आपको नजर नहीं आएंगे, अच्छा आप डाल दिया हमने आतिफ, आतिफ ने डाल दिया जुनेदर, एज डाल दी लाइक 28, पासवर्ड डाल दिया ए बी सी, यहाँ डाल दिया एक्स वाई जी। जैसे हमने उससे फोकस आउट किया ना, उसने बता दिया प्लीज एंटर करेक्ट पासवर्ड। आपने डाल दिया यहाँ पे ए बी सी और ये एरर मैसेज आ गया, इसके लिए आपको बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं। यहाँ तक सब आ गया, देखो ना तो उसके लिए मैं तीनों पे तुम्हें रिक्वायर्ड फील्ड वगैरह लगाना पड़ेगा। देखो बिहेवियर क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है कि तीनों रिक्वायर्ड है तो तीनों के लिए रिक्वायर्ड लगाओ। अब फिर उसके बाद तुम्हारा क्या था ऑब्जेक्टिव, एज जो है ना वो रेंज के दरमियान में होना चाहिए, तो चौथा लगेगा कंट्रोल। फिर तुम्हारा पांचवा ऑब्जेक्टिव था कि दो पासवर्ड की फील्ड्स आपस में कंपेयर होगी, तुम्हारा पांचवा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो पांच ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो पांच कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है, पांच अलग अलग कंट्रोल लगेंगे। और किसी का कोई सवाल, ताली वाली मारी हुई आपस में, एक तुम पूछो एक मैं पूछूंगी, कर सकते हैं आप उस पर्टिकुलर चेकबॉक्स के क्लिक के ऊपर इस दोनों चेकबॉक्स की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको भी दिखाई थी ना टेक्स्ट मोड, चेकबॉक्स लगाना पड़ेगा ना आपको टूल बॉक्स में से, उसको लगा के उसके इवेंट पे चेक अनचेक का जो इवेंट है उस पर जाके आपको ये कोड लिखना पड़ेगा कि अगर अनचेक है तो टेक्स्ट मोड सिंगल लाइन कर दो, अगर चेक चेक तो सिंगल लाइन कर दो, अगर अनचेक तो जो है ना वो कर दो पासवर्ड करना टेक्स्ट मोड। अरे माइक खोल के बोल रहा है बस, अभी आपने फोकस हटाया तो उसने वैलिडेट किया ना, ये कैसे पहले से नहीं हो रहा था, पहले वाले कंट्रोल्स
पहले वाले जो कंट्रोल थे ना, ये जो ये तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर था ना, अब जरा समझने की जरूरत है समय, थोड़ा सा हमें बस सेंस लगाना है, हमें समझ में आ जाएगा। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का बिहेवियर क्या होता है, पेज सबमिट होने के ऊपर ही चेक होगा ना, क्योंकि तुम तो उस पर कभी भी वैल्यू टाइप कर सकते हो पहले बाद में। रेंज, ये वैल्यू जो है रेंज के दरमियान ना, ये कब चेक होना चाहिए, उसी वक्त। ये देखो टैप पे हो रही है, ठीक है, फोकस आउट हो रही है, तो आप सवाल क्या रहेगा। अच्छा चलो देखते हैं, चलो ये भी हो रहा है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर टैप पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, अब इतने फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं, मुझे हर चीज याद नहीं रहती, तो आप इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल करना। जैसा अभी ये पूछने नहीं चेक एंड चेक का, तो ये हिट कभी मैंने करके नहीं देखा, मैंने तो तरीका बता दिया ये तरीका करने का, ठीक है। और कोई सवाल आ रहा हो किसी को जहन में पूछ लीजिए जी भाई लोग, गैंग ऑफ फोर कुछ आ रहा है, सब में आ रहा है ऐसे ही बस, सर को बोल रहे हैं चौथा है गैंग में या तीन ही है बस, चार है, और कुछ चौथे को भी बुला लेंगे, वो कह रहे मैं नहीं हुआ गैंग में, वो पलट गया वो। अच्छा जी आगे चले, इसके बाद कौन सा बच गया, कोई बचा, कंपेयर हो गया, रेंज हो गया, रेगुलर, अच्छा ये रह गया रेगुलर एक्सप्रेशन। कस्टम तो फिर आप उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट लिखोगी ना, तो कस्टम लगाओ और कस्टम की प्रॉपर्टी में ना विंडो में एक वो है, और उसका मुझे क्लाइंट फंक्शन, किसी का खुला हुआ है क्या माइक, एक फंक्शन है जिसका नाम है क्लाइंट फंक्शन, एक फंक्शन है जिसका नाम है क्लाइंट फंक्शन, उस क्लाइंट फंक्शन पे आप जावास्क्रिप्ट का नाम लिखो, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का नाम लिखो, जो भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया ना उसका नाम लिखो, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव बेसिकली अभी ये है कि मैं जो अभी अवेलेबल है वो तो करवाऊँ, ठीक है। अच्छा जी रेगुलर एक्सप्रेशन ये डाल देते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स डाल देते हैं, ऊपर चला गया, ठीक हो गया। प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल एड्रेस, अच्छा जी इस पर लिखें। अब थोड़ा सा जरा फोकस करने का टाइम आ गया, तो अभी तो कुछ चीज़ आसान थी ना, वैसे अभी भी आसान ही है, मुश्किल नहीं है। क्या खूबसूरत आदमी हो यार, कहाँ थे पहले तुम, नहीं थे, नज़र नहीं आया काफ़ी दिनों से, पिछले छः दिन से नज़र नहीं आ रहा था, तुम कहाँ थे, हाँ तो छः दिन से तो तुम आए भी नहीं ना यहाँ, तो नज़र कैसे हो गया। ये इसका कहीं ताल्लुक जो है ना टेबल से नहीं है वैलिडेशन का, ठीक है। मैंने तो टेबल इसलिए रखा है ताकि आपको अलाइनमेंट नज़र आए कंट्रोल्स की और उसके लेबल्स की, और ये जो सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं उसके, हाँ वैलिडेशन जो अप्लाई हो रही है वो कंट्रोल पे हो रही है ना, टेक्स्ट बॉक्स पे हो रही है, ठीक है। सवाल क्या है, मैं सवाल नहीं समझा, सुना भाई बोलो, ये तो आपकी मर्जी है ना, ये तो इसका ताल्लुक डिजाइन से है। HTML के अंदर मैं टेब रखूँ, पैराग्राफ रखूँ या टेबल रखूँ, मैं सिर्फ आपको ये चाह रहा था कि हर कंट्रोल की जो एरर मैसेज है ना उस कंट्रोल के सामने आए, इस वजह से मैंने टेबल डिजाइन किया,
अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है कि इस पूरे स्टैंडियो में मैंने कहीं टेबल का जिक्र नहीं करा कि इसका ताल्लुक टेबल से है। टेबल सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है ताकि आपके पास चीज़ें अलाइन हो जाएं एक दूसरे के सामने। ठीक हो गया? अच्छा जी, थोड़ा सा टाइम कम है तो थोड़ा सा मैं पेस बढ़ाऊंगा अपनी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है वैलिडेशन एक्सप्रेशन। वैलिडेशन एक्सप्रेशन पे मैं किया तो यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो देखें आपके पास एक पॉपअप खुल गया। पॉपअप में देखें ऑलरेडी बने बनाए आ रही अवेलेबल है, बने बनाए जैसे वो होते ना इंस्टेंट जमा कर रहे होंगे नहारी मसाला पाए मसाला ये मसाला, तो ये इंस्टेंट है बने बनाए, मास्किंग नहीं है ये, रेगुलर एक्सप्रेशन आ रही है। और जो ऑटोमेटिक वाले भाई हैं वो समझते हैं आ रही है, ये बनी बनाई आ रही है। आ रही मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, ये वो आ रही काटने वाली आ रही नहीं है जैसे हर मोहल्ले में होती हैं पुप्पो जान काटने वाली। ठीक है, ये मैंने बड़ा करके दिखा दिया आपको ताकि वहाँ छोटा था ना तो मैंने आपको बड़ा करके दिखा दिया। अब ये समझ में आ रहा है देख के कुछ देखे समझ में आ रहा है एट द रेट मास्क बड़ा देख के समझ में आ रहा है क्या है। तो अभी इनसे जरा पूछते ना इनको क्या समझ में आ रहा है। अभी आप देखिएगा थोड़ी देर में आपको ऐसे समझ में आएगा हल्ले की तरह। अभी आप बताओ इसको क्या देख के समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है लग रहा मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। आप अगर फिर तुम मेहनत क्यों कर रहे थे मैं यूँ 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 पहन हुआ। ठीक है, आप देखना कितना अब मैं आसान करता हूँ आपके लिए। ठीक है, अभी अभी आप ही बताओगे इतना सारा का सारा। ठीक है, स्लैश डब्ल्यू कहते हैं करेक्टर को, एक सिंगल करेक्टर को। अच्छा, ये जो प्लस का साइन है ना ये बेसिकली यूज होता है वन और मोर अकरेंस की बात कर रहे हैं, अकरेंस की वन और मोर। तो इसका क्या मतलब है पूरे का? आप अगर माइक खोल लो अपना ताकि आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह सबको समझ में आ जाएगा। कैरेक्टर आ सकते हैं कितने? मल्टीपल। ठीक है, मिनिमम कितने? वन। इसका मतलब है वन और मोर कैरेक्टर। ज्यादा बात समझ में आ गई। इसका क्या मतलब है इंग्लिश में बताओ ना, मतलब जो जुमले में बताओ वन ऑफ मोर कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट साइन है मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। जो ब्रैकेट साइन है इसका मतलब है यूज टू मैच वन एनी ऑफ कैरेक्टर जो भी इसके अंदर गिवन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है? प्लस माइनस डॉट और ये apostrophe s। इसका मतलब है इनमें से कोई भी कैरेक्टर इसमें रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है माइनस प्लस डॉट और apostrophe s देन वन और मोर कैरेक्टर्स। ठीक हो गया, ऐसा क्या लग रहा है? अभी अकेला है ये तो आएगा आएगा अभी आ रहा हूँ आ रहा हूँ सॉरी बल्कि हाँ ये समझ में आ गया था ना, ये हमने ये रह गया, ये समझ में आ गया स्लैश डब्ल्यू, ये समझ में आ गया। अब इस पूरे के ऊपर क्लोजर लगा हुआ है, क्लोजर पे लगा हुआ है स्टेरिक। ठीक है, सही मतलब है ये पूरा जो है ना पूरा ऑप्शनल। हाँ सही लव चूज किया है, थोड़ा सा और उसको डिफाइन करें। जीरो और मोर, ये जो स्टेरिक है ना तीन स्टेरिक जो लगा हुआ है इसका मतलब है ये पूरा जो अकरेंस है ना ये जीरो टाइम होगी वन टाइम होगी या मोर होगी। तो उसको आसान लफ्जों में क्या बोलेंगे? जीरो और मोर। तो हो सकता है मेरा ईमेल एड्रेस हो आतिफ और उसके बाद डायरेक्ट बात आ जाए एट द रेट, या मेरा ईमेल एड्रेस हो आतिफ फिर वो डॉट फिर वो हुसैन प्लस और फिर वो डॉट फिर वो मोहम्मद इस तरह से जितना भी नंबर ईमेल एड्रेस बनाना चाहे बना। ये क्या है?
एक चीज, एक सेकंड मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ ना फिर तुमसे मैं सवाल लेता हूँ ना, इसका क्या मतलब है? अब तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्या करूँ उसको कॉपी कर लूँ, यही मतलब है इसका? जी गलत जवाब, थोड़ा सा काट रहे प्लस और माइनस निकल जाएगा, क्योंकि अब आएगा आतिफ हुसैन, आतिफ डॉट हुसैन एट द रेट प्लस, ठीक है, तो आतिफ हुसैन एट द रेट याहू डॉट आ जाएगा, या याहू के साथ डैश इंडिया या डैश पाकिस्तान व्हाटएवर, ठीक है, फिर ये लगा हुआ डॉट, इसका क्या होगा? इसका मतलब बड़ा खतरनाक है वैसे, आपने बताना है तो बताएगा इस डॉट स्लैश डॉट का क्या मतलब है? एक डॉट बताओ ना, आप बताओ, इनसे पूछ रहे हैं बस, इसका मतलब डॉट, ठीक है, डॉट आएगा ही आएगा, ठीक है, फिर आगे स्लैश डब्ल्यू वन ऑफ फोर कैरेक्टर्स, फिर जीरो, कितना आसान हो गया, आसान है, कोई मुश्किल है इसमें? जी पूछें, इसमें से पूरे इस जो मैंने अभी अभी तशरीह पेश करी है इसमें कोई बात समझ में नहीं आया, स्लैश स्लैश स्केप सीक्वेंस है, ये स्केप सीक्वेंस यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, जो जो उसके आगे वाला करेक्टर होता है वो उस स्केप सीक्वेंस, इसके सीक्वेंस का मतलब है अब जो आने वाला है ना वो एक कोई स्पेशल चीज़ है, तो वो स्पेशलिटी डिफाइन करने के लिए स्केप सीक्वेंस लगा, स्लैश एन फॉर न्यू लाइन होता था पुराने जमाने में, एट द रेट अकेला, मैं असल में एक इंसान हूँ, एक वक्त में एक जगह रिस्पॉन्स दे सकता हूँ, एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है, आप थोड़ा होल्ड कर लो, आप भी होल्ड कर लो, पहले उनको कंप्लीट करते हैं, फिर आपके पास, फिर आपके पास, जी सर, ये असल में फिर एस्केप सीक्वेंस नहीं रहेगा, ये कुछ और चीज़ बन जाएगी, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, भला एक नॉर्म्स होते हैं नॉर्म्स, जैसे हम अभी हम बात करें ना आपस में, तो हमारी उर्दू जो है ना एक सीक्वेंस में, या इंग्लिश जो है ना वो एक सीक्वेंस में, ये जो ग्रामर जिसको डिफाइन करती है, इसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशंस की अपनी ग्रामर होती है, ग्रामर ये बता रही है कि आपने ये एस्केप सीक्वेंस यूज करने टू डिफाइन इफ एनी स्पेशल कैरेक्टर इज इन्वॉल्व, डॉट इज बेसिकली द स्पेशल कैरेक्टर, नॉट डब्ल्यू, डब्ल्यू तो है ही उसके लिए वर्ड के लिए, नॉट डी, डी है ही डिजिट्स के लिए, अभी आपको दिखाऊंगा सी पूरी लिस्ट है, आप सवाल करें, एट द रेट से पहले स्लैश नहीं, नहीं जरूरत नहीं ना, क्योंकि वो स्पेशल कैरेक्टर नहीं हुआ, वो बेसिकली कैरेक्टर भी होगा, अच्छा सेम इसी ऊपर, इसी के प्रोवाइड में, ये भी क्योंकि पार्ट नेक्स्ट पैटर्न के लिए है तो उसमें भी स्लैश नहीं है, नहीं यहाँ पे प्लस लगा है ना, ये कहलाता है क्लीन, क्लीन कहलाता है, क्लीन के बाद तो अब आएगा ही नया, नई चीज होगी, तो इसलिए यहाँ से इसको इसके साथ सेपरेट नहीं करने की जरूरत, तो इसी तरीके से देखो ये है, इसके बाद भी आपको देखो कोई चीज सेपरेट करने की जरूरत नहीं है अगले वाले कैरेक्टर के लिए, ऑटोमेटिकली सेपरेटेड है, स्लैश एमयू ऐसा था, स्लैश इज द पार्ट ऑफ ईच पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, जैसे फर्स्ट एरिया बिल्कुल सही, अगर आप समझती हो कि नहीं ये इनमें से ये दो कैरेक्टर या तीन कैरेक्टर या चार कैरेक्टर नहीं होते सिर्फ ये होता है, तसल्ली होगी आपकी, तशफी हो गई, ऐसे में अंडर स्कोर ऊपर कवर हो गए डब्ल्यू के, हाँ वर्ड वही वाली बात आ गई, क्योंकि वो वर्ड करेक्टर ही है ना, वो भी इस तरीके से, वो करेक्टर इस अंडर स्कोर इस काउंट इन दी करेक्टर्स, ठीक है, वो स्पेशल करेक्टर नहीं है, वो वर्ड में काउंट हो जाएगा, और किसी को कोई सवाल आ रहा हो, क्योंकि अब आपने ओनली इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो आप लोगों के दिमाग में सवाल भी आ गए, चार पाँच ही तो पूछे थे वैसे जी लास्ट में, समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को, ठीक है, अच्छा ये सबसे मुश्किल थी, ये समझ में आ गई ना तो बाकी सब चीज़ आसान है, ठीक है, ये सबसे जो मुश्किल वाली चीज़ थी ये समझ में आ जाए तो बाकी सब आसान है।
करके देखें इसको, तो लगा के चला के देखें, आपको अगर टाइम कम है थोड़ा जल्दी से इसको चला के देखें। अब आप दुनिया की कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन बना लें, नाम मैंने डाला नहीं, एज डाली गलत, पासवर्ड भी उल्टा सीधा डाल दिया, ईमेल भी उल्टा सीधा डाल दिया, प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल एड्रेस, डालने जरा करेक्ट ईमेल एड्रेस। आतिफ नहीं ले रहा, डॉट नहीं ले रहा, हुसैन नहीं ले रहा, एट द रेट नहीं ले रहा, याहू नहीं ले रहा, डॉट नहीं ले रहा, कॉम क्या हो गया, नहीं वो माउंट सिलेक्शन देना चले गया, डॉट कॉम ले क्या लिखना चाह रही हैं आप, इनकी फरमाइश सुनिए ना, ये क्या लिखना चाह रही हैं आप बताएं, आप बताएं क्या लिखते हैं, कुछ भी ठीक है ले लेंगे, आपने ये थोड़ी चेक लगाया है कि डॉट कॉम ही हो, आपने तो कैरेक्टर पे चेक लगाया ना, ठीक है हाँ। अब आपका असाइनमेंट ये होगा छुट्टियों में कि आप एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बना के लाए कि डॉट कॉम और डॉट इस तरह से मतलब प्री डिफाइंड हो। अच्छा अब आपको बड़े मजे का बताऊँ, पहले जमाने में होता ये था कि सिर्फ छह डोमेन थे, डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, डॉट जी ओ वी, डॉट ई डी यू, डॉट नेट, ये छह थे ना, तो अब जो है ना ये भी ओपन हो गया है, अब आप कोई भी डोमेन देख सकते हैं, डॉट कुछ भी बना सकते हैं आप, ये अब फिक्स नहीं रहा, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो कॉमन है हमारे यहाँ, हम लोग जब बात करते हैं या हमें ये पता नहीं है, तो इस वजह से हम कॉमन ही यूज़ करते हैं डॉट कॉम या डॉट ओ आर जी या डॉट ई डी यू, अदरवाइज अब आप जो है ना बना सकती है और कुछ भी बना सकते हैं, कंपनी का नाम रख सकते। लेकिन लोग इसलिए रखते हैं आसान ताकि लोगों को याद रहे, क्योंकि लोग जब वेबसाइट याद ही रखेंगे, अभी ये वेबसाइट बना के गए हैं भाई क्लिक एंड बाय डॉट कॉम डॉट पी के, अभी ये बनाते थे क्लिक एंड बाय डॉट कुछ भी, तो फिर वो याद थोड़ी रहता, किसको आसानी से इतना याद नहीं कर सकते ना। जी हाँ बहुत सारे काम कर सकते हैं, ये आप बना के आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ये आ रही जो है ना आपका असाइनमेंट है, नेक्स्ट क्लास में बना के आइएगा, नेक्स्ट क्लास मतलब 18 को, दो हफ्ते दे रहा हूँ फिर। अच्छा जी चले जी जरा आ जाए, जल्दी से वापस आ जाए टॉपिक पे, ये देखें जैसे हम लोग अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट यूज किया, ये कमांड प्रॉम्प्ट यूज जैसे वो लिखते हैं डी आई आर स्टैरिक और स्टैरिक, तो ये वाइल्ड कार्ड्स होते हैं, तो स्टैरिक का मतलब क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। अगर यही स्टैरिक की जगह लगाते हैं प्लस, तो इसका मतलब है एक या एक से ज्यादा अक्रेंस, ठीक है, इस तरीके से डिफरेंस आ जाएगा। डॉट मैचेस वन कैरेक्टर, ठीक है, अगर डॉलर साइन लगा हुआ है मैचेस पैटर्न एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे हुसैन और डॉलर साइन और मैं अपना नाम उस पर चलाऊँ वेरीफाई कनेक्ट करूँ तो हो जाएगा वेरीफाई, लेकिन तुम करोगे जो है तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा नाम आखिर में हुसैन नहीं आता, ठीक है, ये मैच करेगा जिनके नाम के या स्ट्रिंग के आखिर में ये करेक्टर आते हैं। इसी तरीके से अगर आपने शुरू में मैच करना है तो ये लगाना है, अगर रिवर्स में करना है नॉट लगाना है तो ये लगा दें, ये अप साइन कहते हैं ना इसको, कैरेट साइन। इसी तरीके से ये लगा दें, अगर आपको कोई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैच करने हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर, इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से ग्रुपिंग करनी है स्ट्रिंग में, इस तरीके से लॉजिकल और लगा दिया, मैचेस जीरो और मोर मैचेस, ठीक है, ये जो हम अभी बात कर रहे थे मैचेस वन और मोर मैचेस, ठीक है, एक एक से ज़्यादा। अच्छा जी मैचेस जीरो और वन अक्रेंस, अगर सिर्फ जीरो हो गया एक करनी हो, ये एस्केप करेक्टर है या एस्केप सिक्वेंस में कह रहा था उसको एस्केप करेक्टर भी कहते हैं, तो ताकि ये पता चले कि इसके आगे कोई कैरेक्टर आ रहा है तो वो उसको मैच करेगा। ये अगर डी यूज करते हैं उसके लिए डिजिट्स के लिए, ठीक है, ये ईमेल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है, वैलिडेशन समरी,
डेमो मैंने आपको बना के दिखाया अभी आपको, ठीक है? ये ऐसा नहीं, ये मेरा असाइनमेंट था जो, अच्छा मैं सॉरी आपकी आवाज़ बिगाड़ना नहीं चाहता, मैंने ऐसी तफरी में करी। मैं असल में असाइनमेंट देता हूँ, ये क्लास के आखिर में क्लास में करना होता है। क्यों भाई नहीं मैं गुरु डिलीट कर दूंगा। अब आपने पढ़ लिया ना आप लोगों ने माशाल्लाह से सबने, तो जरा जल्दी से प्लीज इसकी बना दे जरा। आरी, शाबाश शाबाश। जब तक आप लोग आरी बनाए मैं आप लोगों की वीडियो सेव कर रहा हूँ।